हेलो। और ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का लास्ट लेक्चर है एमसीक्यू का। इसके बाद हम रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स क्या स्टार्ट करें, तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्लीज पेस्ट कर दीजिएगा। मेरा मन तो रिलेटिविटी स्टार्ट करने का है, बट अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स कहेंगे तो वो कर लेंगे। तो कमेंट के अकॉर्डिंग जो यानी वेनसडे में लेक्चर होगा, वो आपके अकॉर्डिंग एमसीक्यू डिसाइड करेंगे, जो मैक्सिमम फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा एमसीक्यू है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर म्यू वन सराउंडेड बाय क्लैडिंग ऑफ म्यू टू एंड म्यू टू इज लेस देन म्यू वन। अ बीम ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ एयर एट एंगल ऑफ एल्फा विद द एक्सिस ऑफ फाइबर, द हाइएस्ट एल्फा फॉर विच द रे कैन बी ट्रेवल थ्रू द फाइबर इज। तो ऑप्शंस आर कॉस इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, टैन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, एंड लास्ट सेक इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। सो टाइम स्टार्ट नाउ, तो करिए इसको और फिर मुझे आंसर बताइए, चैट बॉक्स में भेजिए फटाफट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यस, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। अभी तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन और एन टू की फॉर्म में थे, यहाँ पे म्यू की फॉर्म में है, बट हमें पता है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा ज्यादा होता है, और जो इंसिडेंट एंगल एल्फा कह लीजिए या स्क्वायर मैक्सिमा कह लीजिए या थीटा कह लीजिए, ये साइन क्या होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइबर मोस्टली नॉट यूज्ड नाउ डेज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम आर सिंगल मोड फाइबर, कोएक्सियल केबल, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रिड इंडेक्स फाइबर, नन। इसमें फाइव ऑप्शंस हैं, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जो आजकल हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिंगल मोड नहीं यूज कर रहे हैं, कोएक्सियल, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स और नन। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज सिंगल मोड फाइबर। तो आजकल हम सिंगल मोड फाइबर जो है यूज कम कर रहे हैं, बिकॉज सिंगल मोड फाइबर आर यूज टू प्रोड्यूस पोलराइजिंग मेंटेनिंग फाइबर विच मेक देम एक्सपेंसिव। ऑल्सो अल्टरनेट टू दैम आर मल्टी मोड फाइबर विच आर कॉम्प्लेक्स बट एक्यूरेट। सो सिंगल मोड फाइबर आर नॉट जनरली यूटिलाइज इन ऑप्टिकल फाइबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, सिंगल मोड फाइबर अलाउ सिंगल मोड प्रोपोगेशन, द क्लैडिंग डायमीटर मस्ट बी एट लीस्ट ट्वाइस द कोर डायमीटर, थ्राइस द कोर डायमीटर, फाइव टाइम्स द कोर डायमीटर एंड 10 टाइम्स द कोर डायमीटर। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ, और कि सिंगल मोड अगर हमें प्रोपोगेशन कराना है तो क्लैडिंग का जो डायमीटर है कितना टाइम्स जो है होना चाहिए कोर के डायमीटर से। तो यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, 10 टाइम्स द कोर डायमीटर। द क्लैडिंग डायमीटर इन सिंगल मोड फाइबर मस्ट बी 10 टाइम्स ऑफ द कोर डायमीटर, लार्जर रेशियो कंट्रीब्यूट टू एक्यूरेट प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दीज डायमेंशन रेशियो मस्ट बी देयर सो एज अवॉइड लॉसेस फ्रॉम द वैनिशिंग फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब बाय कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इन ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें से क्या न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफाइन करता है, लाइट कलेक्शन, लाइट स्कैटरिंग, लाइट डिस्पर्जन और लाइट पोलराइजेशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट कर चुके हैं हम, और ये क्वेश्चन आप मुझे लगता है सभी लोग कर लेंगे कि न्यूमेरिकल अपर्चर ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टी है, और ये मैंने कई बार ये वर्ड बोला है कि ये हमेशा लाइट गैदरिंग एबिलिटी बताता है, तो मतलब लाइट कलेक्शन, गैदरिंग या कलेक्शन बात एक ही है, तो ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइबर विच इज रैपर्ड एज नॉन डिस्पर्सिव शिफ्टेड फाइबर इज। ऑप्शंस आर कोएक्सल केबल, स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर, स्टैंडर्ड मल्टी मोड फाइबर, नॉन जीरो डिस्पर्जन शिफ्ट फाइबर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैंने आपको ये चीजें नहीं बताई हैं, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताने जा रही हूँ।
तो ऑप्शन है इसका स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर. स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर हैविंग स्टैप इंडेक्स प्रोफाइल इज नोन एज नॉन डिस्पर्जन शिफ्ट फाइबर. तो स्टैप इंडेक्स फाइबर में सिंगल मोड को हम बोलते हैं नॉन डिस्पर्जन शिफ्ट फाइबर. और ये जो फाइबर्स हैं जीरो डिस्पर्जन रखते हैं वेवलेंथ 1.31 माइक्रोमीटर में. और इनको ये प्रिफर्ड करते हैं, यानी हम इनको प्रिफर्ड करते हैं सिंगल वेवलेंथ ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर में. और इनको हम ओ बैंड्स भी बोलते हैं, ओ बैंड. ठीक है, ओ बैंड मीन्स ऑर्डिनरी बैंड्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर SSMF आर यूटिलाइज मेनली फॉर ऑपरेशन इन सी बैंड, एल बैंड, ओ बैंड एंड सी बैंड एंड एल बैंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, ठीक है, और इसका आंसर भी शायद सही नहीं पता है. जो भी आप कर रहे हैं वो गैसेस कर रहे हैं. तो एक बार पहले इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि ये बैंड्स होते क्या हैं. तो आंसर तो इसका ओ बैंड है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं. सी बैंड का मतलब होता है कन्वेंशनल बैंड, एल बैंड का मतलब होता है लॉन्ग बैंड, और ओ का मतलब होता है ऑर्डिनरी बैंड्स. तो जो सिंगल मोड स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर यानी SSMF होते हैं, ये नॉर्मली ओ बैंड के लिए यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं सिंगल मोड स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं सी बैंड और एल बैंड की रेंज में हाई डिस्पर्जन शो करते हैं. तो उसकी वजह से इसको हम सिर्फ ऑर्डिनरी बैंड्स में यूज करते हैं. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइबर मोस्ट सुटेड इन सिंगल वेवलेंथ ट्रांसमिशन इन ओ बैंड इज लो वाटर पीक नॉन डिस्पर्जन शिफ्ट फाइबर, स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर, लो मिनिमाइज्ड फाइबर, नॉन जीरो डिस्पर्जन शिफ्ट फाइबर या शिफ्टेड फाइबर. तो यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ. अगर आपने ध्यान से देखा होगा ओ शिफ्ट के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था पीछे से स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर के बारे में, तो ये मैंने बताया था कि ओ बैंड्स के लिए होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है. और जो ओ बैंड्स होते हैं या ओरिजिनल बैंड्स बोलते हैं जिनको हम, या ऑर्डिनरी बैंड्स बोलते हैं, इनकी जो रेंज होती है 1260 नैनोमीटर टू 1360 नैनोमीटर के बीच की होती है. और इसको हम प्राइमरी वेवलेंथ भी बोलते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए. और मिड 1970s के अराउंड जो है ये यूज़ किया जाता था मैक्सिमम. दो रीजंस थे उसको यूज़ करने के. पहला था कि जो है ये लोएस्ट ऑटोमेशन देता था नियर ओ बैंड, ठीक है, ना कि सी बैंड या एल बैंड के पास. दूसरा रीजन था कि जो ये है स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर्स विद स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, इसको नॉन डिस्पर्जन शिफ्ट फाइबर भी बोलते थे, पर्टिकुलरली सिंगल वेवलेंथ ट्रांसमिशन ओ बैंड के लिए, ठीक है. और ये जो है जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ देता था, जीरो डिस्पर्जन प्रूफ करता था किस वेवलेंथ पे, 1.31 माइक्रोमीटर में इसमें जीरो डिस्पर्जन आता था. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर विद द वेवलेंथ ऑफ 0.85 माइक्रोमीटर हैव अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.29, हैव कोर क्लैडिंग डायमीटर ऑफ, ऑप्शंस हैं 62.5 माइक्रोमीटर, 125 माइक्रोमीटर, बी है 100 माइक्रोमीटर, 140 माइक्रोमीटर, सी है 85 माइक्रोमीटर, 125 माइक्रोमीटर, डी ऑप्शन 50 माइक्रोमीटर एंड 125 माइक्रोमीटर. तो इसमें आपको वेवलेंथ दिया है, न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है और डायमीटर कैलकुलेट करना है कोर का. तो वी पैरामीटर से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कोर का डायमीटर, और कोर का डायमीटर आ जाएगा तो आप क्लैडिंग का डायमीटर तो गैस कर ही लेंगे, आपको एक वैल्यू करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी. तो यस, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन 100 माइक्रोमीटर टू 140 माइक्रोमीटर. मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर विद न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.29, हैविंग अ कोर क्लैडिंग डायमीटर इज 100 माइक्रोमीटर एंड 140 माइक्रोमीटर. दे प्रोवाइड हाई कपलिंग फ्रिक्वेंसी LED एट वेवलेंथ 0.85 माइक्रोमीटर एंड हैव लो कॉस्ट. दे ऑल्सो यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. तो मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, विराज फॉर्मेशन, ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग और रेनबो फॉर्मेशन.
तो इनमें से कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो TIR नहीं होता जिसके अंदर। तो यस करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। तो चलिए हम लास्ट पे पहुंच गए हैं MCQs के, ठीक है, एंड हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट हो गया है। लेजर के लिए आप ऑलरेडी MCQs हैं यूट्यूब पे, आप वहां देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs हैं, आपके पास चॉइस है दो यूनिट्स के, या तो आप रिलेटिविटी चॉइस करके बताइए, या फिर जो है चूज करके, या फिर वेव मैकेनिक्स। आज ट्यूजडे की इवनिंग तक का आपके पास टाइम है, जिसका फीडबैक मेरे पास ज्यादा होगा वो MCQ मैं वेनसडे में लिख आऊंगी। और मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला कमेंट सेक्शन में, तो ऑब्वियस है रिलेटिविटी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि आपका तो पढ़ने का मन करता नहीं है, मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है और आपसे क्वेश्चंस भी कराने हैं, ठीक है। तो वेनसडे में वही MCQ होगा जिसका मुझे कमेंट सेक्शन में नाम मिला होगा, रिलेटिविटी और वेव मैकेनिक्स। अब जो है मैं जानती हूँ दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो EMFT के लिए कह रहे हैं, बट अभी EMFT मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी क्लास को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ EMFT। तो पहले मैं वो टॉपिक्स कर रही हूँ जो उनको पढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद मैं EMFT का, लेकिन क्योंकि आप लोग बोल रहे हो तो ऑब्वियस है मैं EMFT का MCQs और वीडियोज़ लेकर आऊँगी, लेकिन जो मेन कंटेंट्स हैं मेरे उनको डिस्कस करने के बाद, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बाय।